हेलो, कहाँ हो तुम? मैं निकल चुकी हूँ, पर तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। जल्दी आओ। ये लो सैंपल और जो जगह बताइए वहाँ पे जा, और दो बंदे आएंगे उनको देना है। बड़ी वाला काम नहीं हो पाएगा मुझसे, भैया पुलिस पकड़ सकती है। कैसे नहीं होगा, आज तक भी ये काम करते आया ना, कहीं पकड़ा पुलिस ने? जितना बोला उतना कर। भैया कोई छोटा मोटा काम करवा लो, पर ये मत कर रहा हूँ। ओ हेलो, ये सब क्या हो रहा है? क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को? तुझसे मतलब, चुपचाप से अपना काम कर और यहाँ से निकल ले। क्या हुआ बेटा, क्या परेशान कर रहे हैं ये? ये ना मुझसे ये दुखा रहे हैं। तुम एक बच्चे से ड्रग सेल करवा रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी कंप्लेंट कर सकती हूँ मैं। तो जानते हम कौन है तिल्ले, अच्छा यही होगा तो चुपचाप से यहाँ से निकल जा। और नहीं गई तो? नहीं गई तो मैं थोड़ी लेट क्या हो गया, तुमने दो दो पटा लिए? ये कौन है? बॉयफ्रेंड है मेरा। अच्छा, ये बचाएगा तुझे, और वो भी अकेले? ना मुन्ना, अकेला नहीं हूँ। अबे और कितनों की एंट्री होगी, और भी है क्या? अबे नहीं यार, हम दो ही काफ़ी हैं, बाकी तेरी मर्जी। भाई एंट्री तो हीरो की तरह हमारी है, हीरो की तरह मारेगा हमें, निकल रहे हैं हम यहाँ से। अच्छा आ जा। चलो बेटा, बड़ी जल्दी नहीं आ गए तुम, और थोड़ा आराम से आ जाते ताकि एक आधा उठा ले जाता मुझे। मैं हमेशा एंड टाइम पे आता हूँ हीरो की तरह। और ये बच्चा? एक काम कर, तू इसे पुलिस स्टेशन ले जा, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। आ जाओ बच्चे। और भाई कहाँ रह गया था, मैं तेरा इतनी देर से यहाँ वेट कर रहा था। सॉरी यार, कुछ काम आ गया था। और आज पार्टी में जा रहा है ना? हाँ मेरा तो पक्का है, तू जाएगा? हाँ मेरा तो पक्का ही है, बस अपना ही होलिया ठीक कर। हाँ यार अपना फेस देख, मॉडल पड़ गया, तू केयर नहीं करता क्या? भाई मैं तो बहुत केयर करता हूँ अपने फेस की, पर कुछ होता ही नहीं है, मैंने सारी क्रीम लगा के देख ली। और एक खुद को देख, तेरा फेस कितना ग्लो मारता है। भाई बता देना तू कौन सी क्रीम लगाता है, मैं भी लगा लूंगा। अबे नहीं यार, मैं कोई फेयरनेस क्रीम यूज नहीं करता, मैं सुनता मुझे हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल जो कि है 100% नेचुरल। इसमें है हेल्दी ऑयल एलोवेरा ऑयल जो कि हमारे पिंपल्स को, एक्ने को खत्म करता है और हमें स्किन को अंदर से क्लियर और ब्राइट बनाता है। भाई ये तो बढ़िया है, पर इसे यूज कैसे करना है? अरे बहुत सिंपल है यार, 3-4 ड्रॉप्स अपने हाथ पे ले, अपने फेस पे अप्लाई कर अच्छे से, और ठीक 10-12 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर मॉइस्चराइज के न्यू फेस वॉश से, इसका नाम है सी ब्रीज। भाई ये फेस वॉश कमाल का है, इसके अंदर आता है सी मॉस। सी मॉस इज काइंड ऑफ सीवीड जो कि मैं स्किन टोन निखारता है, पिगमेंटेशन कम करता है और साथ ही मैं स्किन को हाइड्रेट रखता है। क्या बात कर रहा है भाई, इससे स्किन हाइड्रेट भी रहती है? हाँ भाई, और हमारे फेस का अच्छा ऑयल बैलेंस रखता है, मतलब कि सुंदर दिखाता है और मस्त दिखाता है। और तो और इसके अंदर आता है सैलिसिलिक एसिड जो कि हमें पिंपल्स को और एक्ने को जड़ से खत्म करता है, मतलब कि ये फेस वॉश ना हमारे लिए बेस्ट है। इसके ऊपर लगा हुआ है एक ब्रश जो कि है सिलिकॉन बेस्ड जो कि बहुत सॉफ्ट है हमारे स्किन के लिए और बहुत ही अच्छा है अप्लाई करने के लिए। मतलब कि पूरी बात ये ना भाई कि ये स्किन केयर कॉम्बो हमारे स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। भाई तूने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर ये तो बता मैं इसे लूँ कहाँ से? बहुत सिंपल है यार, ये देख लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से परचेज कर ले। सेम एज़ यू गाइस, आप भी मुझसे कहिए न्यू फेस वॉश ट्राई कीजिए, इसका नाम है सी ब्रीज, बहुत ही अच्छा है, मैं ट्राई किया है इसलिए आपको बोल रहा हूँ। हो गया? हाँ भाई चले फिर। घर आ गया तुम्हारा।
अरे प्रीत, करण, अरे करण तुम कब आए? बस परसों ही आया यार, एंड लॉन्ग टाइम। हाँ काफी हैंडसम हो गए हो। कुछ भी। हाँ अरे प्रीत बैठो। जी भैया। भैया एक काम करो, आप दोनों बात करो, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक। एक सेकंड ना, तूने बस पूरे दिन गेम ही खेलते रहकर। इस बार भी कुछ दिनों के लिए आए हो या थोड़ा टाइम रुकोगे भी? भैया रुकूंगा इस बार। वो भैया पापा ने बात की होगी मेरे और प्रीत के रिश्ते के बारे में। हाँ बात तो हुई थी मेरी, और मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रीत को तुमसे बेहतर लड़का शायद ही मिले। बट भैया एक बार प्रीत से भी पूछ लो कि वो क्या चाहती है। अरे उसे क्या ही दिक्कत होगी, तुम दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड है, तुम दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हो, हमारी फैमिली का भी इतना अच्छा बॉन्ड है, और तुम वेल सेटल्ड भी हो, उसे क्या ही प्रॉब्लम है। भैया आपसे बात करके मेरी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई, मैं एक बार प्रीत से बात करके आता हूँ। ठीक है। घर पहुंच गए? जी पहुंच गया। अच्छा हाँ मुझे ना मेरे घर से ना थोड़ा पीछे उतारा करो, आज भैया बाहर ही थे, अगर देख लेते तो। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे वैलेंटाइन डे पे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम ना रहने दो। अच्छा बाबा चल लेंगे, आई लव यू। ठीक है लव यू टू। अरे क्या हुआ करण? अरे भैया आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि प्रीत का बॉयफ्रेंड है? क्या बॉयफ्रेंड? मैंने अभी खुद सुना, वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। देखो करण, मैंने तुम्हारे पापा से प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। प्रीत तुम्हारी है और वो जो कोई भी है उसको मैं रास्ते से हटा दूंगा, टेंशन मत लो। और दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, जैसे वो घर छोड़ने जा रहा था। मैं छोड़ दूँ प्रीत को, कुछ काम था मुझे उस तरफ। हाँ छोड़ दे, बाय। बाय प्रीत। सचिन ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? प्रीत वो मैं कुछ भूल नहीं पा रहा, तुम्हारे लिए मैं आज भी उतना ही फील करता हूँ। देखो सचिन पहले की बात अलग थी, तब तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, पर अब तुम्हें सब पता है कि मैं और आशीष एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर आशीष को पता चलेगा तो चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। लेकिन प्रीत दिन पास। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को तोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना।
बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? देखो प्रीत, मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, पर मैं क्या करूँ, तुमको मैं भूल नहीं पा रहा। और बात रही आशीष की, तो उससे मैं बात कर लूंगा। तुमने सोचा भी है कि जब आशीष को ये बात पता चलेगी तो उसे कैसा लगेगा? हाँ तो प्रीत, मेरी फीलिंग्स भी तो है और मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। तुम्हें अभी यकीन हुआ मेरी बातों पे? नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है आशीष, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा, तो कल खुद ही सुन लेना, सचिन ने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया। तुझे पता है प्रीत ने मुझे सब बताया, पर मुझे उसकी बातों पे यकीन नहीं हुआ। पर सामने पे सुनने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसा कर रहा है। देख आशीष, वो मैं बताने ही वाला था। अबे अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम थी तो बता देता ना, नहीं आता हम रिलेशन में, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने सब जानबूझ के नहीं किया, मैं बस बह गया था। अबे तू एक बार बोलता तो सही यार, तेल हजार लड़कियां कुर्बान थी, कल भी की थी आज भी कर सकता, पर नहीं करूंगा क्योंकि इस बार तू गलत है। सचिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया, जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताने वाली थी मारे बारे में। बताने वाली थी लेकिन बताया नहीं, इसलिए अब मैं भी अपनी मर्जी का करूंगा। अब ये तेरा आशिक बचेगा नहीं, साइड हो जा तू। बता, मिलेगा मेरी बहन से? बता। सॉरी भैया, अटक जाता हूँ। मैंने तेरे लिए लड़का ढूंढ दिया है और वो है करण, अब तेरी इसी से शादी होगी। करण तुम समझाओ ना भैया को, मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ और तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम प्लीज समझाओ भैया को। देखो प्रीत, तुम उसे कुछ टाइम पहले ही मिली हो और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम बस उसे भूल जाओ। तुम पागल हो गए हो क्या करण, ये सब क्या बोल रहे हो? हम कभी एक नहीं हो सकते और मैं उसे नहीं भूल सकती, तो तुम मुझे भूल जाओ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी ही रहोगी। करण, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की, तू पागल हो गया? भैया बीच में बताओ, बहुत समझा लिए से प्यार से, अभी ऐसे नहीं मानेगी। अबे ओए, बहन है ये मेरी और मेरी बहन पर हाथ उठाने का हक किसी का नहीं है, तो बेहतर होगा कि अभी तो निकल जाए यहाँ से, उससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। भाई बहन आशिक, सबने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तू नहीं बचेगा। करण, करण देखो पागल मत बनो, घर नीचे कर दो प्लीज, घर नीचे कर दो। ए, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। आगे मत बढ़ वरना गोली मार दूंगा, बोला ना तुझे, आगे मत बढ़ गोली मार दूंगा। I'm sorry प्रीत, मुझे पता नहीं था कि करण ऐसा आदमी है, और सही हुआ सही टाइम पर इसकी असलियत सामने आ गई। एंड आई एम सॉरी सचिन कि मैं तुम दोनों के प्यार के बीच में। भैया
मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ भैया ही है मेरा बॉयफ्रेंड, वो तो सचिन है आशीष का दोस्त। सॉरी भैया ये सब मेरा ही प्लान था ताकि आप आशीष को ना मारें। जब मुझे रवि ने बताया कि आप लोग गए मिलकर आशीष को मारने का प्लान कर रहे हो, आशीष भाई को बताता हूँ। हेलो सचिन भाई। हाँ रित बोल। अच्छा एक काम कर, ये बात किसी को बोलियो मत, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है। हाँ भाई मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ, यहाँ पर दो लड़के रहते हैं, बस इसमें से पता करना है कि कौन सा वाला है। अगर वो आए तो उसे फॉलो करो और सारी फोटोग्राफ मुझे भेजो। ठीक है भाई। अब बस उसका पता चल जाए कि वो है कौन, फिर वो बचेगा नहीं। तो मैंने आपके बंदे का पीछा किया और तब मुझे मालूम पड़ा कि आपको पता ही नहीं है कि प्रीत का असली बॉयफ्रेंड है कौन। तो बस फिर उसके बाद मैंने ऐसा दिखाया कि प्रीत का असली बॉयफ्रेंड मैं हूँ। प्रीत को हक करना, प्रीत को टेस्ट करना ताकि आपका शक मुझ पर जाए और आप आशीष को नहीं मुझे मारें। अरे वाह यार, इस टाइम पर भी ऐसी दोस्ती। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया अब मार बहुत खाली है, कुछ खाना खा लें चल के। चल हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये जो वीडियो हमारी ये पहली एक वीडियो से काफ़ी लिंक है जो कि यहाँ पे आ रही होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखिए, आपको फिर ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। और हाँ गाइस, मुझे का जो न्यू फेस वॉश है सी ब्रीज से ट्राई करना मत भूलना, बहुत ही कमाल का फेस वॉश है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूँ फिर आपको आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।